तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेंडेंसीज के बारे में कि आपको किसी तरह सेटअप करना है टेंडेंसीज का। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक नोड जेएस का पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नोड जेएस इंस्टॉल। जैसे आप नोड जेएस इंस्टॉल लिखोगे तो आपको पहला वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, इस नोड जेएस का जो पैकेज मैनेजर है इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और आपको पता नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, सीएमडी पर जाना है और यहाँ पर नोड हाइफन वी लिखना है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है गाइस। तो अब मुझे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो इसके जिसके लिए इनके जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैं चलता हूँ। सिंपली मैं टेंडेंसीज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मैं जाता हूँ, गेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको भी बड़ा करता हूँ। तो गाइस, तो मुझे क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको इसको मुझे कॉपी करना है। लेकिन कॉपी करने से पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को क्या करना है, एग्जैक करना है, ठीक है। आपको सिंपली विजुअल स्टूडियो को खोलना है। इस विजुअल स्टूडियो को खोलने के बाद आप कोई फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और जिसका नाम मैं रखता हूँ टेल वेंडर, कोई भी नाम रखता हूँ। जैसे मैं ये लिखता हूँ टेल वेंडर CSS मैंने रखा, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ और इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ इसी तरह ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डायरेक्टरी ओपन हुआ है। तो यहाँ पर मुझे एक कमांड लिखना है, nnet npm nnet -y। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, एक json फाइल लाएगा यहाँ पर। तो इसने पैकेज जो json का फाइल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन उठाना है। जैसे हमारे पास npm install d tailwind css, तो ये कुछ डायरेक्टरी हमारे लिए क्रिएट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं पेस करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ डाउनलोडिंग यहाँ से करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी स्लो जा रहा है यहाँ पर ये चीज़। तो ये कुछ मिनटों में आई थिंक कंप्लीट हुआ, तब तक के लिए मैं वीडियो पास करता हूँ। तो ओके गाइस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया अब। और अब हमें एक और कमांड यहाँ पर चलाना है, ठीक है। तो उस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली, उस कमांड को भी npx tailwind init css, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ सिंपली। फिर क्या करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसने एक tailwind config.js का फाइल यहाँ पर लाया, ठीक है। तो इस फाइल में हम थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ public लिखता हूँ। और इसके अंदर मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूँ जिसका ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया, और इस फोल्डर के अंदर मैं index.html का एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इस फाइल को मुझे लिंक करना है कि है कहाँ पर, src वाले फोल्डर पर। यहाँ पर मैं एक और src फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, बाहर इस पब्लिक फोल्डर से बाहर मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं style.css लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो config.css का फाइल था, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, जाना है इसी तरह .slash public के अंदर हमारे पास क्या है, index.html का एक फाइल है। तो सिंपली ये एक पाथ हमें देना था इस फाइल को, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इस src के अंदर हम कुछ कोड को पेस्ट करते हैं, और इस कोड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लाता हूँ सिंपली, ठीक है। ये वाला कोड था Ctrl+C से, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, हमें ये कमांड चलाना है, ठीक है। तो उस कमांड के साथ ये कमांड मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ इस कमांड के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है वहाँ पर मैंने इस पब्लिक वाले डायरेक्टरी को मुझे रखना है, इसे पब्लिक रखना है, और input.css, तो मुझे क्या करना है, इनपुट नहीं, मुझे रखना है style.css। और ये इसको मुझे करना है पब्लिक,
सॉरी, और ये पोर्ट जो है ये SRC बिल्कुल ठीक था, SRC ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से कंट्रोल X से, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V से। तो मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, डन हो गया, जो कंटेंट जो फाइल था वो हमारे पास क्रिएट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट फाइल जो था इसके अंदर सारा CSS आ गया है, ठीक है। अब हमें इस इंडेक्स वाली फाइल के अंदर यहाँ पर मुझे सिंपली यह एक फाइल क्रिएट करना था, वो भी हो गया। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिंक करना है इस फाइल को। तो लिंक के लिए मैं लिखता हूँ .slash output .css। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ div लिखता हूँ, इस div के अंदर मैं h1 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ हाय यूजर्स, कोई फाइल लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे ओपन लाइव सर्वर से करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास जो टेलीविंड CSS का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस मैं और करता हूँ, जैसे मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे चेंज करता हूँ। जैसे मैं याद कर लेता हूँ लॉस BG-red, तो इसका थोड़ा सा कलर मैं इसी करता हूँ। तो इस तरह आपने देखा गाइस हमारे पास जो इफेक्ट है वो आ गया है। तो गाइस बस यही तक था, ये वीडियो आपको किसी तरह अप्लाई करना है, टेलीविजन सीरीज को किसी तरह आपको एडिट करना है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, इन साथ से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।